हेलो दोस्तों, वेलकम बैक फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत है। दोस्तों, बाइक के अंदर इस तरह की फालतू की बैटरी होते हैं जो एक दो साल में ही ख़राब हो जाते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे बाइक के अंदर लिथियम बैटरी लगाया जाए ताकि इसकी लॉन्गजीविटी बहुत ज़्यादा हो जाए। दोस्तों, ऐसा करने की बहुत लोगों ने ट्राई किया है, लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम आया है। यहाँ पर सब कुछ सही काम करता है, लेकिन जैसे ही सेल्फ दबाया जाता है वैसे ही ये बैटरी का BMS ट्रिप कर जाता है, तो सेल्फ स्टार्ट इससे नहीं होता है। लेकिन मैं इस वीडियो के एंड तक आपको सेल्फ स्टार्ट करके दिखाऊंगा मेरा बाइक को, कुछ हैक करना पड़ेगा बैटरी के साथ। भैया, इस बैटरी का जो वोल्टेज है ये 10.5 से 14.5 के बीच में है, तो यहाँ पर हमारा टारगेट है 10.5 से 14.5। हम अगर लिथियम बैटरी बनाते हैं तो यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी के लिए सेल्फ वोल्टेज होता है 2.8 से 4.2 वोल्ट। 3S करेंगे तो 8.5 से 12.6 तक होती है। 4S करेंगे तो 11.2 से 16.8 वोल्ट होती है। तो ये हमारा टारगेट के साथ उतना अच्छे से मैच नहीं करता। लेकिन एक और बैटरी का टाइप है जो कि लिथियम बैटरी ही है, लेकिन लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी बोलते हैं इसको। ये 2.5 से 3.65 वोल्टेज ऑफर करती है। यहाँ पर अगर 4S बनाया जाए तो यहाँ पर 10 वोल्ट से 14.6 वोल्ट बनती है। तो यही हमारा बहुत ही अच्छा एक चॉइस होगा जो हमारा टारगेट को काफ़ी अच्छे से रीच करता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर 4S का लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी बनाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं ये बैटरी एक्चुअली ख़रीदा है लूम सोलर कंपनी से। यहाँ पर देखिए ये वाला बैटरी है, इसका प्राइस ये है। तो भैया, ये बैटरी आ जाने के बाद मैं इसको जस्ट अनबॉक्स किया। यहाँ पर इसका लेवलिंग देखिए कि ये 6 AH का बैटरी है, लेकिन इसका वोल्टेज लिखना भूल गया। तो ये एक्चुअली 12 वोल्ट का ही बैटरी है। और ये खास बात यह है कि लिथियम बैटरियाँ काफ़ी लाइट वेट होती है। और चलिए इसको एक बार बाइक में जस्ट लगा के ट्राई करते हैं। तो ये सेल्फ दबाते ही बैटरी ट्रिप कर गया, तो यहाँ पर हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा बैटरी के साथ। बाकी सब कुछ यहाँ पर सही काम करता है, जस्ट सेल्फ के लिए ही हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इसलिए इस बैटरी को हमें काटना पड़ेगा। तो दिल में बहुत दर्द रख के मैं नया बैटरी को काट रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो ऐसा हम करते हैं अक्सर, नो प्रॉब्लम, ऐसे यूट्यूबर्स काफ़ी कुछ करता है। तो देखिए, मैंने इसको काट लिया। अब देखिए, इसके अंदर हमें 4 पीस सेल मिल गया लिथियम आयरन फॉस्फेट यानी LiFePO4 का। तो इस सेल का जो कनेक्शन है ये हमें समझना पड़ेगा पहले। ये सीरीज कनेक्शन है 4 पीस सेल, और चारों ही 6 AH का सेल है यानी 6000 mAh का। तो टोटल मिला के 6 AH ही बनता है अगर सीरीज करेंगे तो। प्लस डायरेक्ट निकल जाता है, माइनस यहाँ पर एक बोर्ड में जाती है जो साइड में एक BMS बोर्ड है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस बोर्ड को अगर हम बाईपास करके माइनस को डायरेक्ट ले लेते हैं तो देखिए गाड़ी हमारा स्टार्ट हो जाता है। यानी ये सेल हमारा गाड़ी को स्टार्ट कर पाएगा, लेकिन BMS ही ट्रिप करता है। तो इस BMS के साथ हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि ये सेल्फ स्टार्ट में ट्रिप ना करे। तो देखिए, एक बार मैंने इसको स्टार्ट किया तो ये मैक्सिमम 33 ampere रजिस्टर किया मेरा क्लैंप मीटर ने, यानी 33 ampere का इनरश करंट जा रही है। उसके बाद अगर मैं सेल्फ मोटर को चलाते रहता हूँ तो ये 5 ampere 6 ampere लेता है, तो ये लिमिट के बाहर नहीं जाता, जस्ट इनरश करंट लिमिट के बाहर जाती है। और चार्जिंग करंट ये जनरेटर ऑफर करती है जो बाइक चलने के टाइम, वो 3 ampere से 6 ampere तक वेरी करती है। स्पीड बढ़ाने से भी 6 ampere से ज़्यादा चार्जिंग करंट नहीं देता है। तो चार्जिंग करंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि बैटरी को डैमेज कर दे, तो ये लगभग ठीक ही है। और इसका हेडलाइट करंट कंज्यूम करता है 4 ampere। और इसका जनरेटर से जो वोल्टेज निकलता है चार्जिंग वोल्टेज, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर बैटरी को ओपन रखा तो अभी चार्जिंग वोल्टेज आ रहा 13.7। यहाँ पर हेडलाइट चल रहा था, हेडलाइट को ऑफ किया तो थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ गया और 14.6 जैसा हो गया। तो इसके बाद स्पीड वगैरह बढ़ाते हैं तो भी ये वोल्टेज ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ता है, जस्ट 14.6 में ही रहता है। तो 14.6 ये वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा नहीं है इस बैटरी के लिए, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया। तो ये बैटरी इससे ओवर चार्ज तो नहीं होने वाली है। तो एक बार फिर से स्पीड बढ़ा के देख लेते हैं। तो देखिए, जितना भी स्पीड बढ़ाया जाए 14.7 के ऊपर ये जाता ही नहीं है, मतलब ये बैटरी को ओवर चार्ज नहीं करने वाला है। तो ये एक अच्छी बात है। अब देखिए, यहाँ पर मेरा जो मीटर है ये स्कोप मीटर रजिस्टर किया कि जब सेल्फ स्टार्ट किया जाता है तो बैटरी का वोल्टेज थोड़ा सा घट जाता है, 9 वोल्ट के आसपास आ जाती है। लेकिन इसमें भी मेरा BMS ट्रिप नहीं कर रहा है क्योंकि तुरंत जनरेटर स्टार्ट हो जा रही है। तो चलिए, इस बैटरी को हमें खोल के निकालना पड़ेगा ताकि BMS को हम हैक कर पाए। तो इसलिए काफ़ी एक डेंजरस तरीका मैं इस्तेमाल किया। यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ग्लू दिया हुआ था बैटरी के अंदर, तो ये हमें वायोलेशन करना पड़ा यहाँ पर, नहीं तो ये नहीं निकलता। तो साइड साइड में चाकू से काटा, फिर जाके इसको निकाल पाया मैंने। ओके, तो बैटरी का सब कुछ यहाँ पर खोल लेते हैं। और काफ़ी मेहनत के बाद हम BMS तक पहुँच गए। अब यहाँ पर हमें कुछ हैक करना पड़ेगा ताकि ये इनरश करंट में ट्रिप ना करे। यहाँ पर 100 ampere का MOSFET दो दो पैरेलल में लगा हुआ है, दो चार्जिंग के दो डिस्चार्जिंग के लिए।
तो ये 20 एम्पियर का लगभग मॉस्फेट है लग रहा है। अगर सारे मॉस्फेट रहता, कुछ मॉस्फेट यहाँ पर खाली है, सारे रहता तो ये 40 एम्पियर का होता। तो देखिए यहाँ पर कुछ और पावर रजिस्टर है, SMD पावर रजिस्टर, तो ये बहुत कम पावर का ही है, लेकिन ये क्या काम करती है, बेसिकली सेल बैलेंसिंग करता है। अगर किसी सेल में वोल्टेज ज़्यादा होती है दूसरा 3 सेल के मुकाबले, तो उस सेल को ये डिस्चार्ज करके सेल को बैलेंस कर देता है। और यहाँ पर एक सेंसर है जो टेम्परेचर को मॉनिटर करता है, तो ये BMS काफ़ी अच्छी तरीके से इस बैटरी को प्रोटेक्ट कर रहा है, टेम्परेचर का प्रोटेक्शन भी ऑफर कर रहा है। और यहाँ पर एक अजीब कंपोनेंट मुझे मिला है, ये क्या है भाई, इसके ऊपर कुछ कलर जैसा कुछ किया हुआ है, ब्लैक कलर जैसा, तो इसको हम निकाल लिया तो वो लेयर हट गई। अब यहाँ पर मार्किंग पढ़ पा रहा हूँ मैं, IEZ करके कुछ लिखा हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा सा सर्च किया तो पता चला कि ये ट्रांजिएंट वोल्टेज सप्रेसर है, मतलब कि अगर बहुत कम टाइम में ज़्यादा वोल्टेज आ जाती है उसको ये सोखता है, कुछ हद तक MOV जैसा काम करता है। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सब्जेक्ट में वापस आएंगे। तो यहाँ पर देखिए जितना MOSFET है इसके अंदर से जो करंट जाती है वो इस 3 mA शंट रेजिस्टर के अंदर से जाती है। तो ये शंट रेजिस्टर 3 mV पर एम्पियर में ड्रॉप करता है, मतलब हर एक एम्पियर में 3 mV ड्रॉप करता है। वो ड्रॉप किया हुआ वोल्टेज इस लाइन से आके यहाँ पर जाके ये एक 1 kΩ रजिस्टर के अंदर से जाती है IC तक। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि तुरंत वोल्टेज जनरेट ना हो पाए, यहाँ पर थोड़ा सा डिले हो जाए तभी हमारा सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी मेहनत करके इस IC का मार्किंग को मैंने पढ़ा, उसके बाद IC का डाटा शीट मैंने निकाला। तो IC का नाम है SIT8995, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पूरा डाटा शीट चाइना भाषा में है। एनीवे, तो यहाँ पर मुझे एक डायग्राम मिल गया जो 4S सेल का एग्जाम्पल डायग्राम। यहाँ पर देखिए 2 mΩ का शंट देने को बोला गया है, और यहाँ से देखिए एक लाइन जा रहा है एक 1 kΩ रजिस्टर के थ्रू, ये IC का एक पिन में जा रही है। तो देखिए इस लाइन में अगर हम कुछ डिले लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर इस रजिस्टर के बाद इस पॉइंट से एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, तभी क्या होगा, इस रजिस्टर के थ्रू कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा और ये तुरंत वोल्टेज नहीं बढ़ने देगा इस पॉइंट का। तो ऐसे ही मैं एक डिले नेटवर्क यहाँ पर बनाऊँगा ताकि ये इस रजिस्टर के थ्रू जो वोल्टेज जा रही है वो ये कैपेसिटर उससे चार्ज होता रहे और ये जल्दी से इसको हाई नहीं होने देता इस पिन को, तो जल्दी से इसका वोल्टेज को राइज नहीं करने देगा। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग कैपेसिटर लगा के ट्राई किया, बाद में जाके पता चला कि 100 μF अगर लगाता हूँ तो 2 सेकेंड का डिले मिलता है, 2 सेकेंड में ही हमारा सेल्फ मोटर गाड़ी को स्टार्ट कर देता है। तो इतना ही मैं लगाऊंगा, अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है आप 220 तक लगा सकते हैं, 220 μF से ज़्यादा ना जाइए तो ही बेहतर होगा। तो देखिए कैसे मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, ये जो है बैटरी का माइनस पॉइंट, बैटरी का जो होल बैटरी का माइनस है, उसके बाद यहाँ पर ये शंट रजिस्टर है। तो इस शंट रजिस्टर में कुछ मिलीवोल्ट ड्रॉप होता है एम्पियर के ऊपर डिपेंड करता है, और ये है आउटपुट आपका। तो ये आउटपुट इस MOSFET के अंदर से जाती है और ये बैटरी तक इस तरह से कनेक्ट होती है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज बनती है वो वोल्टेज इस साइड में जो पतला पतला ट्रेस है एक देखिए, उस ट्रेस से ये चला जाता है यहाँ पर इस ट्रांजिएंट सप्रेसर के नीचे से होते हुए चला जाता है। तो देखिए एक बार और दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए एक बहुत ही पतला एक ट्रेस है, ये ट्रेस वो वोल्टेज को कैरी कर रहा है। तो यहाँ पर कैपेसिटर नहीं लगाना है, कैपेसिटर हमें लगाना है रजिस्टर के बाद। तो यहाँ पर देखिए SMD रजिस्टर 1 kΩ, उसके बाद वाले पॉइंट जो है यहाँ पर एक पैड बना हुआ था, तो इस पैड से ही मैंने सोल्डरिंग करके ये ग्रीन वाला वायर निकाल लिया, उसके बाद इस वायर में मैं इस कैपेसिटर को लगाया। तो यहाँ पर कैपेसिटर को कैसे लगाया, इस वायर में कैपेसिटर का प्लस लगा और कैपेसिटर का जो माइनस है वो पूरा बैटरी पैक का जो माइनस है उसमें लग गया। तो ही इस तरह से हमारा डिले नेटवर्क बन गया ताकि ये 2 सेकंड से कम टाइम में ये प्रोटेक्शन को ट्रिगर नहीं करेगा, शॉर्ट प्रोटेक्शन को। 2 सेकंड में MOSFET नहीं जलेगा, 2 सेकंड MOSFET गर्म होने में लग जाएगा, तो इससे काफ़ी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए मैंने इस एप्लीकेशन को यहाँ पर गाड़ी में लगा दिया, अब देखते हैं ये स्टार्ट होता है कि नहीं। तो चाबी को किया ऑन, अब देखिए गाड़ी मेरा स्टार्ट हो गया। तो ये मॉडिफिकेशन मेरा सक्सेसफुल रहा है। तो देखिए कैसे एक सिंपल सा कैपेसिटर एक इतना बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब दोस्तों मैं प्रोटेक्शन का एक भी तरीका मैं नहीं छोड़ूंगा, यहाँ पर एक 20 एम्पियर का फ्यूज लगा दिया ताकि अगर कुछ बिगड़ जाए तो ये फ्यूज हमारा बैटरी को प्रोटेक्ट कर देगा। अब मैं इस बैटरी को फाइनली असेंबल करने जा रहा हूँ। यहाँ पर साइकिल का 2 ब्रेक रबर ले लिया, इसको मैं बैटरी के अंदर गैप फिल करने के लिए लगाऊंगा ताकि गाड़ी चलने के टाइम बैटरी हमारा ना हिले। वैसे भी ये बैटरी काफ़ी टाइट है, नहीं हिलेगा, फिर भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे दिया। तो अब मेरा बैटरी ये कंप्लीट हो गया, पूरा फ्यूज प्रोटेक्शन के साथ बैंडेज कर दिया। और देखिए इस तरीके से 2 नाट लगा के गाड़ी के साथ बैटरी को लगा दिया।
अब यहाँ पर देखिए पूरा बैंडेज वैंडेज कर दिया, बैटरी को पूरा सिक्योर कर दिया ताकि प्लस पॉइंट कभी भी किसी भी हालत पे इस गाड़ी की बॉडी में टच ना हो जाए। तो यहाँ पर गाड़ी को किया चालू, आप देखिए इसको मैं सेल्फ स्टार्ट करने वाला हूँ। बैकग्राउंड साउंड को आप इग्नोर कीजिए क्योंकि सामने पूजा चल रहा है इसीलिए गाना बज रहा है। तो देखिए मेरा गाड़ी काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर स्टार्ट कर दिया इस बैटरी ने। ओनली 20 एम्पियर का BMS है इसके अंदर, तभी इसी ने काम कर दिखाया। कुछ कुछ लोग इसमें 40 एम्पियर का 2 BMS सीरीज में किया फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर एक 20 एम्पियर का BMS ने ही काम कर दिया बस एक छोटा सा कैपेसिटर की मदद से। तो बार बार मैं यहाँ पर स्टार्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से ये गाड़ी स्टार्ट हो जा रहा है। दोस्तों क्या होगा अगर आपका BMS अलग टाइप का है तो क्या आप नहीं कर पाएंगे ऐसा? तो चलिए आपको दिखा दिया जाए। ये 10 एम्पियर का BMS है, यहाँ पर ये देखिए साउंड रजिस्टर है और ये है बैटरी का माइनस पॉइंट। तो इस रजिस्टर का इस पॉइंट में वोल्टेज ड्रॉप होता है एम्पियर के अकॉर्डिंग, तो इस पॉइंट का जो ड्रॉप किया हुआ वोल्टेज वो इस लाइन के थ्रू जाती है। दोस्तों ये BMS गाड़ी में तो नहीं लगने वाला है, 10 एम्पियर का BMS काफ़ी नहीं है गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, फिर भी मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास था इसलिए। तो ये पॉइंट यहाँ पर जाती है इस कैपेसिटर के इस पॉइंट में, और ये सेम पॉइंट जाती है इस रजिस्टर का इस पॉइंट में भी, और ये रजिस्टर कैपेसिटर बेसिकली दोनों पैरेलल में है। ये रजिस्टर एक्चुअली 1 kΩ का रजिस्टर है, इसका SMD कोड है 101। तो ये दोनों बेसिकली पैरेलल में है रजिस्टर और कैपेसिटर, तो दोनों साइड यहाँ पर जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है, और इस पॉइंट से ये आकर यहाँ पर IC में जा रही है प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पर अगर कैपेसिटर लगाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, कैपेसिटर कहाँ पर लगाएंगे? जो पिन IC में जा रही है वहीं पर लगाना पड़ेगा 1 kΩ रजिस्टर के बाद, तभी जाके कैपेसिटर यहाँ पर डिले कर पाएगा। तो इस पॉइंट से हमें बैटरी का माइनस तक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा इन दोनों पॉइंट के बीच, मतलब जिस पॉइंट से IC में जा रही है उस पॉइंट से बैटरी का माइनस पॉइंट के बीच। ये प्लस होगा इस साइड में और कैपेसिटर का माइनस होगा इस साइड में। तो इस तरीके से आपके पास 20 एम्पियर या 40 एम्पियर का है तो भी कर सकते हैं, सिमिलर सर्किट रहता है। तो ये है एक 40 एम्पियर का सर्किट डायग्राम, 40 एम्पियर BMS का। ये लिथियम आयन सेल का 3S का, लिथियम फॉस्फेट का नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दो यहाँ पर साउंड रजिस्टर मिल रहा है, और इस साउंड रजिस्टर में जो ड्रॉप हुआ वोल्टेज वो इस लाइन के थ्रू जा रही है। यहाँ पर देखिए रजिस्टर और कैपेसिटर पैरेलल में है जैसे आपको PCB में दिखाया, और इस पॉइंट से ये इस IC में जा रही है। तो सिमिलर सा सर्किट आपको जो PCB में दिखाया, तो यहाँ पर अगर कैपेसिटर लगाना हो तो आप कहाँ पर लगाएंगे? तो जो पॉइंट IC में जा रही है उस पॉइंट से ग्राउंड के बीच लगेगा, मतलब जो एब्सोल्यूट माइनस है बैटरी का ये वाला, मतलब बैटरी का सेल का माइनस जो है, आउटपुट का माइनस नहीं है, तो सेल का माइनस के साथ ये ऐसे कैपेसिटर आप लगा सकते हैं, तो ही ये डिले नेटवर्क बन जाएगी। यहाँ पर भी 100 माइक्रोफार्ड लगाएंगे तो 2 सेकंड का, 220 लगाएंगे तो 4 सेकंड का डिले होगा। दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मैंने 2 सेकंड का डिले लगाया इसलिए कभी कभी यहाँ पर BMS ट्रिप कर जाता है। तो एक बार किक कर देने से BMS जो है चार्जिंग डिटेक्ट करता है क्योंकि जनरेटर ऑन हो जाता है, तभी ये फिर से ऑन हो जाता है, फिर जाके सेल्फ लेता है। तो कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है, ज़्यादातर नहीं आता है ये प्रॉब्लम, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 100 माइक्रोफेराड ही रहने दिया। तो आप अगर 40 एम्पियर का BMS यूज कर रहे हैं तो 220 माइक्रोफेराड का लगा दीजिए, तो 4 सेकंड का डिले होगा, फाइन रहेगा। लेकिन मेरा 20 एम्पियर का BMS है इसलिए ज़्यादा डिले नहीं लगाया ताकि MOSFET ना जल जाए। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा और ये मॉडिफिकेशन कैसा लगा आपको कमेंट्स में बताएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल में आपको काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन इंटरेस्टिंग तरीके से मिलने वाला है। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेश एंड न्यू आइडिया। जो बैटरी मैंने यूज़ किया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर खरीद सकते हैं।